दाई हम हमारे संगवारी में ना खेले बार बुलाई तो आम खेले बार जावत है ना। अरे बेटा मैं तो लगा कहता हूँ रे अत्ते गर्मी दिन नौ टप्पा चला थे अच्छा अच्छा आदमी और बीमार हो जाते तो हम बीमार हो जाए कहूँ आठा जाता ना एक चुन प्याज ला धर लेकर बेटा वो काम में मत आ जाए करे काला धर ले हूँ प्याज ला रे प्याज ला ना जेब में धर ले हाथ में धर ले ना तो कहे लू नहीं लगे कथे रू मैं तो प्याज लाग देवा था। हाँ हाँ ले दाई जल्दी से ला दाई मोर का टाइम नहीं है वो संगवारी मन देखा थोई ले बेटा प्याज का जेब में धर ले अब जा और झटकुन आबे। हाँ 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 ज्यादा हाँ मत कर बे हाँ इतना नहीं ढंग जाता है। हाँ ले जा 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 झटकुन आ जा। हाँ दाई और देख पहली कसना उल्टा सीधा हरकत मत कर दो। नहीं करो दाई नहीं करो ले जा। हाँ का करूं दाई हा ये प्याज ला धर ले इसे की कहरी से गर्मी है लू लग जाए की के और अति गर्मी है तक एक ठन प्याज थोड़ी पूरत रही एकर ले का अच्छा आडिया आगे रुक जा अब मजा आ गया रे अरे अरे देखते कम प्याज धर के कहां जाता है रे। दाई मैं खेले पर जात हूं नहीं और गर्मी अत्यधिक धूप पड़ गए लू लग जाए दाई एक थाल ये प्याज गैस गोंदली कम नहीं हुई दाई अकेले से गला में से पहन ले तो तालू नहीं लगे मैं जा पाए दाई। ए भैंसी कैसे नींद निकला था रे इतना घाम मसाले घुस रहे लिंगा भैंसा भैंसी मन जाओ रे दादा तरिया में मुंह काला धो ले तो हाथ मोड़ ला कितना गर्मी लगा थे चल तो ओहो अरे साला भैंसा दो दो एकदम जब मरत में पानी अंदर। अबे कस बे चंदवा ये करते काय करत हस बे मैं हां राखी नदी का भैंसी भैंसा निकाला तो पानी ला रे भैंसी भैंसा पानी निकाला था हां वहां तो वहां चिखला में एकदम घोंडा थे बे चिखला में नहीं घूमला जी कामा गुलांडी बे हैं तो चिखला में काबर घोंडा थे तो पता नहीं है रे का चीज के रे हाथ रे साले जोजवा नौ टप्पा लगे बे हां दुए दिन हो बे हां तो ना भैंसा और भैंसी पानी में घुस रहे है बे निकलत नहीं है। अच्छा हां और बाहर निकल ही घाम में धूप में तो लू लग जाए की क्यों मन है। हाँ रे वो घाम में निकल ही ना हाँ। तो लू लग जाते ओकर नाम से भैंसा भैंसी ना हाँ। पानी में घुसर थे चिखला में लोड़ थे हाँ। चिखला में सना रहे थे तो गर्मी नहीं लगा मन ला हाँ रे ऊपर गर्मी है चिखला में घोलन थे शांत हो जाते रे। हाँ बे शांत हो जाए एकदम शांत हो जाए ओकर नाम से पानी मिसे करके ऐसी देखा तू तो कैसे करा थे मतलब बोलना देखो भैंसा देखो देखो कैसे करा साले हाउ यार पूरा ऐसे मस्कत में पूरा गर्मी शांत हो जाते हैं पूरा। चल ठीक है भाई अच्छा चीज बता ऐसे यार बताएं क्या पूछा था बे आडिया समझ आ गए रे चल घर कहीं जाना चाहिए। आ तो दाई आ तो आ तो आ तो आ तो ये सुना दाई कक मारे रे बड़ा हलाकांडी दाई एक खन सवार रे दाई का सवार रे आए सुनना दाई वो तरियम दाई तरिया में भैंसी मन हा कीचड़ लद्दी में ऐसे 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 करके नहाते ता उमन ला गर्मी शांत होई कि नहाते ना दाई। आओ बेटा मन कही ना हाँ। जानवर मन ला ना हाँ। लद्दी में जाते नहीं हाँ। ता लद्दी में अपन शरीर ला लद्दी में उसी से लगा लेते हाँ। तो ओकर से धूप नहीं पड़े हाँ हाँ। तो मन ठंडी लगती ऐसे करती ना हाँ। उमन हा तरियम जाते निको नो का लद्दू दिन दिन भर पुसले रहते ता गर्मी शांत हो जाते। अच्छा ठीक आडिया आगे रे आगे रे नानी चल दादा ये नौ टप्पल बचना है नित लू लग जाए अब मैं मस्त अब लद्दीम जाके घोलन दूं ताने वो गर्मी शांत हो जाए चल चलना चाहिए। अरे भैंसी भाई समन तो सब कहाँ चल दिस रे। अच्छा उमन घोलन घोलन की ना बढ़िया इती उती करके नहा धोतरी से तो ऊपर गर्मी शांत हो गई सोई अब मोहू गर्मी शांत कर लेतो चल तो ये बढ़िया घोलन हो गर्मी शांत हो गई भगवान। ये बोले अरे
ये कर तो साले गर्मी शांत नहीं लगा थे यार, ये तो नहाथन तो ऐसे लगा थे गर्मी शांत नहीं लगा थे। अच्छा भाई भाई समन हाँ आज चिखलम घोलन घोलन के नहात्री से तब साफ हो से चल चिखलम जान दे लीलू चल दादा कोदे कर जान दे। हाँ कैसे कर था ट्रो तहा रे आए एकदम लगी कैसे घट रहा था तहा रे मैं हां हतरे पगली अभी काय चला थे नौ टप्पा लगे है ना त लू लग के मैं गर्मी ला लद्दीम घोलंड के शांत करा तो अब सुन ले तहु गर्मी ला पुतोए पर आ है क्या मेरे क्या हम तो गोबर भी ना रहे हैं तोइले देखे हो त दादा कौन गुंडा थे से चल तो देखे बरा था आना तो हम गर्मी शांत कर ली अरे कैसे था एकदम उल्टा उल्टा कही था जा तो मैं तो रम्मल बताऊं अरे एकदम गर्मी शांत करे आए हंसते काकी बताऊं कैसे करा था काकी काऊ मम्मी सुनाओ तो बेटा बोल लगती कि भाई हाउ आ गए काऊ कैसे हो एकदम से गरुआ भाई सासन जाके वो तालाब लद्दी है तेने में पूरा एकदम से उलान बाटी खावत हो मैं अभी से देख के आया हूं बोला लगी इसकी पागल हो गए का ऐसे के ये भगवान लिखा का करूं आओ ना मैं देखे हो ना तो कहे हम का कर थे ढोल ढोल ऐसे के क्या तो का कहा थे अच्छा लगा थे वो आ रहा तुम उलान बाटी खेल वो ऐसे खात रही तो चल काकी जल्दी चल बेटी चल कटे मेरे बता दे देखते कैसे एकदम पूरा चिकना बेटा आई ए ढोल ढोल का हां ए ढोल ढोल भैंसी वाले धोती से तने पूछा बोला ये काबल लगती भोंडा थे के तब वो कहीं से नौ टप्पा लगे है लू लग जही ऐसे घुलन भी कहा ना गर्मी शांत हो जाते कि आए मेरा कैसा बरसावा थस रे गर्मी शांत होकर जून लगाता आई जून लग रहे नदी कुसने बेटा ये भगवान ने लिखा का करो चल गाय भैंसी मन के बेटा गाय भैंसी मन के ना चमड़ी ना मोटा मोटा रही थे तब वो मन में खुशर थे हैं और पहले जमाना में ऐसे होवे आजकल कते मर भैंसी पैसा तरियन थे तो दादाए हमर दादा के चमड़ी मोटा नहीं रही दाई हम मोर कुछ कुछ है दाई चुप रे नानजात गतर के ओ गाय भाई समन के मोठल से तलक दी सुकर हमन पानी नहातन हमन लद्दी नहा बोले ए ओ पहले के समानम होवत रही से अब तो कूलर पंखा सब चीज घर में हवरे बेटा चल ना रे मैं तोर की तो यहां धूप मान नौ टप्पा मैं तोर घूमे जरूरत है काय ए बड़े सुंदर खा ले पी ले और पंखा कूलर में सूत जा सांझ के संजा मेरे घूमे पर खेले पर निकले कर चल बेटा चल 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 बेटा